विंग कमांडर अनुपमा आचार्य की जन जागरण यात्रा कन्नेत पहुंची। नेमावर से 275 किलोमीटर लंबी यह पदयात्रा निकाली जा रही है। शनिवार को यात्रा टाकलीखेड़ा ननासा होते हुए कन्नौत पहुंची। इस दौरान कई जगहों पर महिलाओं से जनसंवाद और चर्चा की गई। अनुपमा आचार्य ने रास्ते में लकड़ी लेकर जा रही महिलाओं से भी चर्चा की। यात्रा में कांग्रेस नेत्री मोना सुस्तानी, जनपद अध्यक्ष डॉ ओम पटेल, पीसीसी सदस्य मनोज होलानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। क्या है पूरा मामला? ये मामला हम बात करते चल रहे हैं कि ये महंगाई के लिए पूरी कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा है। वो हमेशा कहते हैं विपक्ष कहाँ है और विपक्ष यहाँ है, विपक्ष हर जगह है। महंगाई के खिलाफ सरकार के सामने लड़ाई लड़ रहा है। और हमने तो इस यात्रा में और भी कुछ चीजें देखी। सरकार की बखिया उधड़ रही है। जो उज्ज्वला योजना की बात की थी उसकी हमें महिलाएं लकड़ियां बीनती और समेटती और काटती हुई मिली। उनकी आंखें आज भी चूल्हे के धुएं से फूट रही हैं। तो ये सारी बखिया भी उधर रही है कि कितने बिजली के बिल आ रहे हैं, किसी को कुटी नहीं मिली है, पेंशन नहीं मिल रही है। सरकार की ये सारी चीजें जो मुलम में चढ़ाती है। इनका कहना है कि जनजागरण अभियान जनसंपर्क पद यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसी महंगाई का विरोध जन चौपाल और जन संवाद के माध्यम से ये करना चाहते हैं, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि जिस सरकार को आपने अपना वोट दिया था वो सरकार अब आपके खिलाफ कितनी युद्ध स्तर पर महंगाई को बढ़ा रही है।